नमस्कार स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज मूवी का पार्ट टू पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से पहले तीन सर सवाल लेते हैं। पहला दूसरे सवाल कल बता चुके हैं। एक बाग में आपकी 23.04 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो इस सवाल का आरंभ करते हैं। मान ले कि माना प्रत्येक पंक्ति में आम के पेड़ों की संख्या, आम के पेड़ों की संख्या बराबर x। माना प्रत्येक पंक्ति में आम के पेड़ों की संख्या बराबर x और पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में आम के पेड़ों की संख्या x है और पंक्तियों की संख्या बराबर x। तो एक पंक्ति में x पेड़ है तो x पंक्तियों में पौधों की संख्या हो जाएगी प्रश्नानुसार x इंटू x बराबर 23.04। बिल्कुल पौधे हो गए, तो x और x का गुणा करेंगे, x स्क्वायर बराबर 23.04, तो x बराबर अंडर रूट 23.04। हमें 23.04 के गुणनफल करना है, तो अलग कर लेंगे 23.04 के। सबसे पहले दो से एक एक पाँच दो, इसके बाद पाँच सात छः, दो तीन चार आठ आठ, 144, 72, 36, 18, 9, 3 और 3। ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए 23.04 के, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 इंटू 3, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 2 के और 1 3 का, तो 1, 2, 3, 4 और इंटू 3, 2 × 4 × 8 × 16 × 16 = 48। तो पूछा गया है कि बाग में कुल पंक्तियां कितनी हैं, तो पंक्तियों की संख्या x है तो x बराबर 8 × 8, यहां पर लिख देंगे पंक्तियों की संख्या बराबर 48। ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से कह रहा है कि चौथे में एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतनी ही सैनिक है जितनी भी टोलियों की संख्या है। यदि उस सेना में कुल 65 सैनिक को कुल टोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर, सैनिकों की संख्या बराबर x। माना प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर x और टोलियों की संख्या बराबर x। तो माना प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या x और टोलियों की संख्या x है, तो एक टोली में x सैनिक तो x टोली में x इंटू x, तो प्रश्नानुसार x इंटू x बराबर 65, तो x स्क्वायर बराबर 65, तो x बराबर अंडर रूट 65। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किए थे, उसी तरीके से 65 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तीन से तीन उन्नीस छः, तीन एकम तीन बचा दो, त्रिया चौबीस, तिरसठ इक्कीस, तीन से काटेंगे तीन सत्य इक्कीस, तीन उन्नीस छः, तीन नंबर 27, फिर तीन से तीन उन्नीस छः, तीन सौ 12, तीन प्रकार 9, 81, 27, 9, 3 और 1। यहाँ पर x बराबर 65 के फैक्टर हुए 1, 2, 3,
कि तोलियों की संख्या, तो तोलियों की संख्या एक्स मान ली, एक्स बराबर 81 आ गया प्लेट के लिए, तोलियों की संख्या बराबर संख्या बराबर 81। पांचवा सवाल, एक सेना है अपने जवानों को खड़ा करके एक बर्फ पर मारना चाहता है, उसे ज्ञात होता है कि 7 जवान उसके शेष बचते हैं, यदि कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। तो यहाँ पर सेना नायक के पास जो कुल जवान है वो 8160 है, 8160, लेकिन जब बर्फ बना तो कितने जवान शेष रह गए, 7 जवान शेष रह गए। तो बर्फ में खड़े जवान बराबर, बर्फ में खड़े जवान बराबर शेष बर्फ में खड़े जवान बराबर 8160 माइनस 7 बराबर 8100 जवान उस बर्फ में खड़े हुए। तो मान ले कि माना माना प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवान बराबर एक्स और पंक्तियों की संख्या बराबर एक्स, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवान बराबर एक्स और पंक्तियों की संख्या बराबर एक्स। तो प्रश्न अनुसार तो यहां पर एक्स इंटू एक्स बराबर 8100, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8100, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8100, जिसके हम गुणनखंड डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले 2 0 भी कर लेंगे, 2 × 2, फिर इसके बाद 81 भी करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, और अभी 0 की बाकी है तो 5 × 5, क्योंकि 2 0 है तो 2 × 2 × 5 लिखिए और 81 गुणनखंड हो गए 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पर दोनों के जोड़े बना लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 2 × 3 × 3 × 5, तो एक्स बराबर 10 × 90। तो यहाँ पर आ गया कि सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे प्रत्येक पंक्ति में, तो प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या बराबर प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या बराबर 90, 90 जवान उसने प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए थे। सवाल नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या क्या कीजिए जो 1890 में गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी 1890 में किस छोटी छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्योंकि गुणा और भाग में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम गुणनखंड विधि का ही उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर 1890 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, फिर इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 × 9 = 9, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 0, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 1। अब हम इस संख्या को देख रहे हैं, ये 1890 के जो फैक्टर हुए हैं उसमें केवल 3 का जोड़ा बन रहा है, न तो 2 का जोड़ा है, न 3 का है, न 5 का है, न 7 का है। यदि हमें 2 का जोड़ा बनाना होगा तो 1 की आवश्यकता होगी, 3 का जोड़ा बनाना है तो 3 की आवश्यकता है, 5 का जोड़ा बनाना है तो 5 की, और 7 का जोड़ा बनाना है तो 7 की आवश्यकता है, यानी कि 2 × 2 = 6, 6 × 6 = 30, 30 × 7 = 210, यानी कि कह रहा है कि यदि 1890 में 210 का गुणा कर दिया जाए, यदि 1890 में 210 का गुणा कर दिया जाए तो संख्या
पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस तरीके से हम इसको गुणनखंड करके जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं उसके जोड़े बनाने के लिए जितने की आवश्यकता है उतने का गुणा कर दिया जाए तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। सातवां सवाल होगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 94.08 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें अगले वाले ने पूछा था कि गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें भाग देने पर पूछा गया है। तो यहाँ पर भी हम गुणनखंड विधि से ही याद करेंगे 94.08 ये अभाज्य गुणनखंड है। दो से काटेंगे 4, 7, 0, 4 फिर दो से 2, 3, 5, 2 1, 1, 7, 6, 5, 8, 8, 2, 9, 4 1 यहां पर जाएगा 4 बार 7। अब ये संख्या हमारी 2 से नहीं जाएगी, अब इसके बाद देखते हैं 3 से। 3 × 12 = 50 / 2 = 3 × 27 = 7 × 49 = 7। यदि यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, इस 2 का जोड़ा बन रहा है, इस 2 का जोड़ा बन रहा है और 7 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यदि हम 94.08 में 3 का भाग दे दें, भाग दे दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है हम उसका भाग दे दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, या जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उन्हीं संख्याओं के जोड़ा बनाने